टेट्रापोडा वर्ग का अगला है वर्ग, टेट्रापोड का अगला वर्ग है उभयचर, जिसको हम बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया ग्रीक भाषा के दो शब्द एम्फी प्लस बायोस से मिलकर बना है। एम्फी का अर्थ होता है दो और बायोस का अर्थ होता है जीवन, यानी कि दो जीवन। एम्फीबियंस उभयचर होते हैं, जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। अधिकांश जीवों में दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर धड़ में विभेदित रहता है और कुछ प्राणियों में पूंछ पाई जाती है। उभयचरों की त्वचा नम तथा शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं, नेत्रों में पलक पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है सेलामेंडर है और ये भारतीय मेंढक राना टिग्रीना। इन प्राणियों में बाह्य कर्ण की जगह पर कर्ण पटल पाया जाता है। इनमें बाह्य कर्ण नहीं होता, सिर्फ कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय और जनन पथ एक कोष्ठक में खुलते हैं, उस कोष्ठक का नाम है अवस्कर, और अवस्कर द्वारा ये तीनों चीज बाहर खुलते हैं शरीर से। श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं, फुफ्फुस पाए जाते हैं और त्वचा द्वारा होता है। हृदय तीन कोष्ठीय होता है, दो आलिंद एक निलय। असमतापी प्राणी है, सभी एकलिंगी होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, अंडोत्सर्गी होते हैं और विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल है बूफो एंड टोड मेंढक, राना टिग्रीना ये भारतीय मेंढक है, हायला वृक्ष मेंढक, सेलामेंडर ये, इक्थियोफिस इसको पाद रहित उभयचर कहते हैं, इक्थियोफिस को पाद रहित उभयचर कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है बूफो टोड मेंढक, राना टिग्रीना भारतीय मेंढक, हायला वृक्ष मेंढक, सेलामेंडर ये, इक्थियोफिस जिसको हम पाद रहित उभयचर कहते हैं। टेट्रापोडा का अगला वर्ग है सरीसृप वर्ग। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के कारण पड़ा था। सरीसृप लेटिन भाषा का शब्द है। सरीसृप लेटिन भाषा के शब्द रेपेरे अथवा रेप्टम से बना है। रेप्टम का अर्थ है रेंगना या सरकना। अधिकांशतः प्राणी स्थलीय होते हैं। इनके शरीर पर शुष्क शल्क युक्त त्वचा पाई जाती है, यानी इनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा द्वारा ढका रहता है। इनमें क्रिएटिन द्वारा निर्मित बाह्य शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। तो बाह्य त्वचा पर जो शल्क पाए जाते हैं वो क्रिएटिन के होते हैं, जैसे हमारे नाखून भी क्रिएटिन के होते हैं, तो ये शल्क भी क्रिएटिन के होते हैं। इनमें कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं, कान का काम कर्णपटह करता है। दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः तीन प्रकोष्ठ वाला होता है, लेकिन मगरमच्छ में चार प्रकोष्ठीय होता है। तो सरीसृप वर्ग का अपवाद है मगरमच्छ में चार कोष्ठीय हृदय होता है। ये सभी असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय कैचुली के रूप में छोड़ते हैं। तो सर्प और छिपकली कांचड़ी छोड़ते हैं। एकलिंगी प्राणी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सभी अंडे देने वाले होते हैं, अंडज होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कीलोन को टर्टल बोलते हैं, यानी कि कछुआ। कीलोन को कछुआ कहते हैं। टेस्टुडो को टॉर्टोइज, कैमिलियन को वृक्ष छिपकली। तो कैमिलियन को बोलते हैं हम गिरगिट करगेटा। कैलोटस को बोलते हैं बगीचे की छिपकली। कैलोटस को बगीचे की छिपकली कहते हैं। एलिगेटर को कहते हैं एलिगेटरी।
क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइलस को घड़ियाल कहते हैं, क्रोकोडाइलस को घड़ियाल कहते हैं। हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस को घरेलू छिपकली कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस को घरेलू छिपकली कहते हैं। जहरीले सर्प नाजा को कोबरा कहते हैं, नाजा यानी जहरीला सर्प है, नाजा जिसको हम कोबरा कहते हैं। बंगेरस को क्रैत कहते हैं, बंगेरस को क्रैत कहते हैं। और बाइपर को हम बाइपर सर्प कहते हैं। तो हम इनके एग्जांपल, ये तो है वृक्ष छिपकली जिसको हम कैमलियन कहते हैं यानी कि गिरगिट कहते हैं। ये घड़ियाल है जिसको हम क्रोकोडाइल कहते हैं यानी मगरमच्छ कहते हैं घड़ियाल को। और कीलोन इन कछुआ जिसको हम टर्टल कहते हैं। और ये नाग है सांप। तो ये एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं। कीलोन को टर्टल, टेस्टुडो को टॉर्टोइज, कैमलियन को वृक्ष छिपकली, कैलोटस को बगीचे की छिपकली, एलिगेटर को एलिगेटर, क्रोकोडाइलस को घड़ियाल, हेमीडेक्टाइलस को घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प नाजा को कोबरा, और बंगेरस को क्रैत, और बाइपर को हम बाइपरी कहते हैं। तो ये हमारा था रेप्टाइल वर्ग पूरा होता है। टेट्रापोडा का तीसरा वर्ग है एबीज वर्ग। एबीज वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। एबीज वर्ग का मुख्य लक्षण है शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता का होना। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। पक्षियों में चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः सलक होते हैं और पश्चपाद रूपांतरित होकर के चलने, तैरने और पेड़ की शाखाओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। त्वचा शुष्क होती है। त्वचा में पूंछ के अलावा और कोई त्वचीय ग्रंथि नहीं होती। पूंछ में केवल तेल ग्रंथि पाई जाती है। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है और वायुकोश युक्त होती है। पाचन पथ में सहायक संरचना पाई जाती है। दो संरचनाएं होती है पाचन पथ में सहायक संरचना, क्रॉप तथा पेशनी, क्रॉप तथा पेशनी। हृदय पूर्ण चार प्रकोष्ठ का बना होता है। समतापी होते हैं होमियोथर्मस, जिनके शरीर का तापमान हमेशा नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़ करके सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है कौआ को कार्बस कहते हैं, कोलुम्बा को कपोता, सॉरी कार्बस को कौआ, कोलुम्बा को कपोता, सिट्टिकुला को तोता, स्त्रियों को ऑस्ट्रिच एंड शुतुरमुर्ग कहते हैं, पैवों को मोर, एटिनोडाइटिस को पेंगुइन बोलते हैं, और सूडो गायपस को गिद्ध बोलते हैं, सूडो गायपस को गिद्ध बोलते हैं। तो इनके एग्जांपल हम एक बार देखते हैं फिर से। कार्बस को कौआ, कोलुम्बा को कपोत, सिटिकुला को तोता, ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग, पैवो को मोर, एटिनोडाइटिस को पेंगुइन और सूडो गायपस को गिद्ध कहते हैं। अब इनके इमेज है, ये गिद्ध है जिसका नाम है सूडोगायपस, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, सिटिकुला तोता, पैवो मोर्ग। तो इसी के साथ है हमारा एबीज वर्ग पूरा होता है। टेट्रापोडा का अंतिम वर्ग है स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी समस्त प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, चाहे वह ठंडा रेगिस्तान ध्रुवीय ठंडे भाग हो, रेगिस्तान हो, जंगल घास के मैदान हो या अंधेरी गुफाएं हो। इनमें से कुछ उड़ने वाले होते हैं तथा कुछ पानी में
रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनियों का सबसे मुख्य लक्षण होता है दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं जिनको हम बाल कहते हैं। बाएं कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे रहते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, गर्त दंती होते हैं। हृदय में चार प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है, यानी श्वसन तो फेफड़ों द्वारा होता है लेकिन जो क्रिया है वो पेशीय डायफ्राम द्वारा होती है। एक लिंगी होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, कुछ को छोड़कर के सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि जरायुज होते हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक ही स्तनधारी है जो अंडे देता है, उसका नाम है ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस जिसका नाम और है प्लेटिपस या डकविल। ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस या डकविल ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। अब बच्चे देने वाले स्तनधारी को जरायुज कहते हैं। एग्जाम्पल है मैक्रोपस को कंगारू, टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस को ऊंट, मकाका को बंदर, रेट्स को चूहा और कैनिस को कुत्ता कहते हैं, फैसिस को बिल्ली, एलिफस को हाथी, इक्वस को घोड़ा, डेलिफिनस को सामान्य डॉल्फिन कहते हैं। बेलेनिप्टेरा को ब्लू व्हेल कहते हैं। पैंथरा टाइग्रिस को बाघ कहते हैं। पैंथरा लियो को शेर कहते हैं। तो इनके हम एग्जाम्पल एक बार फिर से देखेंगे। अंडज है ऑर्निथोरिंकस को प्लेटिपस या डकविल। मैक्रोपस एंड जरायुज को देखते हैं अब हम। मैक्रोपस को कंगारू, टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस को ऊंट, मकाका को बंदर, रेट्स को चूहा और कैनिस को कुत्ता, फैसिस को बिल्ली, एलिफस को हाथी, इक्वस को घोड़ा, डेलिफिनस को सामान्य डॉल्फिन, बेलेनिप्टेरा को ब्लू व्हेल, पैंथरा को टाइग्रिस और पैंथरा लियो को शेर। तो इसी के साथ में हमारा ये, अब हम ये इनके इमेज देखते हैं। यह डकविल या प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। ये कंगारू है, मैक्रोपस, ये इसमें पाउच पाई जाती है बच्चे को रखने के लिए, थैली होती है। ये चमगादड़ है और ये ब्लू व्हेल है। बेलेनिप्टेरा ये ब्लू व्हेल है, ये चमगादड़ है। चमगादड़ को टेरोपस कहते हैं, यानी फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, यानी उड़न लोमड़ी के नाम जानते हैं। फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, उड़न लोमड़ी, चमगादड़। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है और स्तनी वर्ग भी पूरा होता है।